अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे बिल बनाना कुछ इस टाइप का। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने एक बिल तैयार किया है एमएस वर्ड के अंदर कुछ इस टाइप का। तो इस तरीके का बिल बनाना आपको भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम खोल लेंगे एम एस वर्ड को, यानी विन वर्ड को खोल लेंगे। हम विंडो की के साथ आर करेंगे, रन आएगा। यहाँ पे हम विन वर्ड लिखेंगे, कोई भी विंडो हो यहाँ पे आप ऐसे ही लिख के ओपन कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने टाइप कर लेना है। तो हम ऑलरेडी टाइप करके रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का। तो इसको आपको क्या करना है, इसको स्क्रीन शॉट ले लेना है, इतना ये इतना मैटर आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है और इसको टाइप कर लेना है विन वर्ड के अंदर, एम एस वर्ड के अंदर इतना मैटर टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ चले जाना है पेज लेआउट के अंदर और यहाँ चले जाना है साइज में, और यहाँ से आपको साइज ए फाइव कर लेना है। यहाँ पे ए फाइव देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ चले जाना है मर्ज में, और मर्ज में आपको क्या करना है, ये वाला लगा देना नैरो। उसके बाद इसका बॉर्डर लगा देना, यहाँ से बॉर्डर लगा लेना है कुछ इस तरीके से, या फिर इधर से भी लगा सकते हैं आप लोग। इधर से भी आप करके देखिएगा, लग जाएगा, और ओके कर देना। अब हमें क्या करना है, इसका कलर कर देना, जैसे कलर हुआ है इस तरीके से ही हमने कलर कर देना। तो हम चले जाएंगे पेज लेआउट के अंदर और यहाँ चले जाएंगे पेज कलर में, और यहाँ से हम कलर पीला कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो है हेडिंग, इसको सेंटर में करना है यहाँ से, तो इस तरीके से सेंटर में कर देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे, और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से हम राइट की तरफ सेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। और इसका फ़ोन का लोगो है, ये आप लोग बना लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए एक बारी, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है 2706 और अल्ट के साथ एक्स कर देना, जैसे करोगे बन जाएगा इस तरीके से लोगो। अब आपको क्या करना है, लोगो बना के नंबर लिख लेना है अपना। अब इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिर्फ इसको ही, और यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है इंसर्ट के अंदर, और यहाँ चले जाना है वर्ड आर्ट के अंदर, और इसके अंदर आपको इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से अमर हिंदी फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको ओके कर देना है, बोल्ड कर देना है इसको, फिर ओके करना है ताकि थोड़ा मोटा दिखाई दे। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से होगा, आपको इसको थ्रू और बिहाइंड टेक्स्ट करना है, यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट, और इसके अंदर कलर भर लेना है यहीं से कुछ इस तरीके से, और इसको इधर रख लेना, और यहाँ क्लिक करना है और एंटर मार देना है एक बारी कुछ इस तरीके से। इसको आप बड़ा कर लेना है, यहाँ क्लिक करोगे तो ये क्लिक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, होम में जाना है और यहाँ चले जाना है सिलेक्ट में, और यहाँ चले जाना है सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव पे। यहाँ क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से कर्सर आएगा आपके हाथ में, यहाँ क्लिक करके इसको इधर इधर खींचना है कुछ इस तरीके से, और इधर भी नीचे भी इतना भी इसको यहाँ तक खींच लेना है कुछ इस तरीके से, और एरो की मदद से इसको सेंटर में कर देना है कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर शेडो डालना है जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो इस तरीके से हमने शेडो डालना है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है और चले जाना है वर्ड आर्ट टूल्स फॉर्मेट में, और यहाँ से हमने शेडो दे देना है कुछ इस तरीके से, और बाहर क्लिक करना है, फिर इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ चले जाना है शेडो इफेक्ट पे, और यहाँ से हमने शेडो कलर पे जाना है, और यहाँ से हम वाइट कलर कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब हम जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा इतना पे। अब हमें क्या करना है, यहाँ अपना पता लिख लेना है। ठीक है, आपको हिंदी की, इसके पहले वाला वीडियो में आपको हिंदी की फ़ोन के बारे में बताया, वो देख के आप लोग हिंदी सीख सकते हो, वहाँ से सीख के आप लोग ये पेज बनाना शुरू कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है यहाँ पे, और ये जो है इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है बैक स्पेस की मदद से, या फिर आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, और यहाँ क्लिक करना है दिनांक के पास और बैक स्पेस करना है कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पे टैब मारना है कुछ इस तरीके से, यहाँ तक कर देना है यहाँ तक। अब यहाँ पे आपको लाइनिंग लगानी है, और यहाँ पे भी लाइनिंग लगानी है जैसे यहाँ लगी हुई है कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, इसके लिए इंसर्ट के अंदर जाना है और यहाँ चले जाना है सेव में, और यहाँ से ये वाली लाइन ले लेनी है, और यहाँ पे क्लिक करना है और शिफ्ट दबा के रखना है, और
सिर्फ दबा के रखना, फिर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, बाहर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से इसके ऊपर आना है और क्लिक करना है, मूव कर्सर बनेगा। जैसे क्लिक करोगे यहाँ एक एक्स्ट्रा टूल खुलेगा। जैसे ये खुला, जैसे आप क्लिक करोगे देखो कुछ इस तरीके से, तो ये एक्स्ट्रा टूल आएगा। यहाँ क्लिक करना है और यहाँ चले जाना है सेव आउटलाइन में। उसके बाद इसका वेट बढ़ा देना है थोड़ा सा, इतना पे एक पॉइंट कर देना है। उसके बाद फिर यहीं पे जाना है और यहाँ चले जाना है, डैश 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 लगा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको कॉपी मार देना है यहाँ से, कॉपी और पेस्ट। उसके बाद इसको उठा लेना है यहाँ से इस तरीके से, या फिर एरो की मदद से भी आप उठा के कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर लगा देना है और इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है और थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देना है। यहाँ से वो बड़ा होगा फॉर्मेट से, यहाँ से कुछ इस तरीके से बड़ा कर देना है, डिजाइन इतना में आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे भी लाइन लगानी है कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए भी आपको इंसर्ट के अंदर जाना है और सेव में जाना है और यहाँ से वही लाइन ले लेनी है और यहाँ क्लिक करना है और शिफ्ट दबा के मूव कर देना है कुछ इस तरीके से, इतना से। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ से सेव आउटलाइन और यहाँ से एक पॉइंट कर देना है पहले इसको, उसके बाद फिर यहीं पे जाना है और डैश डैश लगा देना है कुछ इस तरीके से। अब इसको भी कॉपी मारना है और पेस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, इतना पे कर लेना है। और इसकी साइज जो है बढ़ा देनी है, तो उसके लिए आपको फिर से इसके ऊपर आना है। जैसे आओगे फॉर्मेट आएगा यहाँ पे, ड्राइंग टूल फॉर्मेट, यहाँ जाना है और यहाँ से आपको बढ़ाना है। इधर क्लिक करोगे इस तरीके से तो ये आगे बढ़ेगा, तो इतना पे आपको सेट कर लेना है। ध्यान रहे कि ये बराबर होना चाहिए, इधर नहीं इधर बराबर होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इतना पे आपको टाइप कर लेना है। इसकी साइज़ जो है, इन सभी की साइज 12 ही रखा हूँ मैं, आप देख सकते हैं कहीं भी क्लिक करके देख सकते हैं, 12 ही है सभी को मैंने 12 ही रखा है, सिर्फ इसकी साइज अलग है, बाकी सभी की साइज 12 ही रखा हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें इस तरीके से ही लिखना है जैसे हमने लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग ये चीज़ें अब हम सेट करने जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे बैक स्पेस करना है, एक बारी पहले यहाँ क्लिक कर करके बैक स्पेस कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ फिर क्लिक करना है और टैब मारना है एक बारी, फिर यहाँ पे क्लिक करना है और टैब मारना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है और टैब मारना है, इतना पे। अब हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिर्फ इतना ही, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो शिफ्ट के साथ एरो लेफ्ट की तरफ कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको चले जाना है इंसर्ट के अंदर और यहाँ जाना है टेबल, और यहाँ से आपको ये करना है इंसर्ट टेबल। जैसे करोगे ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही ड्रॉ हो जाएगा टेबल के अंदर, खुद ही ड्रॉ हो जाएगा ये टेबल के अंदर कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ चले जाना है टेबल टू और लेआउट के अंदर, यहाँ से आपको इसको सेंटर में करना है कुछ इस तरीके से। इतना पे करने के बाद आपको बाहर क्लिक करना है, जैसे बाहर क्लिक करोगे ये गायब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सेट कर लेना है, यहाँ से एरो को इधर करके कुछ इस तरीके से सेट कर लेना। उसके बाद इस चीज़ को इधर कर देना है और इस चीज़ को भी थोड़ा आगे कर देना है, रकम इतना, ठीक है, ये इतना, ये चीज़ बड़ा होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है और टैब मारना, एक बार ही और टैब मारना बस। अब यहाँ पे इसके अंदर आना है और एंटर मारना कुछ इस तरीके से, इतना पे बस। अब हमें क्या करना है, एक बारी और बस, ये जो है योग वो इसके अंदर लिखना है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे और यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे बैक स्पेस कर लेंगे। बैक स्पेस करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो चीज़ है इसको हमें सेट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया गया, तो हमें ये जो लाइन है यहाँ पे इसको हम डिलीट कर सकते हैं, अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, वैसे हम डिलीट करेंगे इसको, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्लिक करेंगे और चले जाएंगे टेबल टू डिजाइन, और यहाँ से इरेजर ले लेंगे और यहाँ से इरेज करेंगे इस लाइन को कुछ इस तरीके से, ये इरेज हो जाएगा, यहाँ से इस तरीके से इरेज कर देंगे। तो इस तरीके से जब इरेज हुआ तो ये क्या हुआ, भाग गया ऊपर। अब हमें क्या करना है, बाहर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करना है फिर से और एंटर मारना, ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। अगर इस तरीके से गड़बड़ हो रहा है तो आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन लगा लेंगे, तो वो आप यहाँ से ड्रॉ कर लो, यहाँ से ड्रॉ करके लगा लो, इतना पे आप लोग लाइन लगा सकते हो। अब हमें क्या करना है, बाहर क्लिक करना है
या फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, ये हट जाएगा पेन से। जैसे क्लिक करेंगे हट गया। अब हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे इनको और होम में चले जाएंगे और यहाँ से हम लाइन की स्पेस कम कर लेंगे पेन। उसके बाद हम इसकी साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा कर देंगे इतना पे, और यहाँ क्लिक करके एंटर कर देंगे एक बार, और फिर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से चढ़ेगा। अब इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हमने इसको इधर भेज देना राइट साइड इतना पे, और इसको बोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका साइन होगा, जिनका भी बिल होगा, ठीक है, जो भी मालिक होगा इसका पेज का वो यहाँ साइन करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी होगा, जितना भी होगा खर्चा, वो सब यहाँ आएगा, जितने का बिल होगा वो रकम यहाँ आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर फ़ोटो लगाना रह गया, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये वाला फ़ोटो आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम इस फोटो को लगाने के लिए यहाँ जाएंगे इंसर्ट के अंदर और यहाँ जाएंगे पिक्चर में। अब पिक्चर में जाने के बाद हम पिक्चर जहाँ भी रखे होंगे, आप लोग जहाँ भी रखोगे ज़्यादातर आपका पिक्चर डाउनलोड के अंदर मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। उसके बाद जब आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, तो आपको यहाँ से थ्रू कर लेना है और फिर यहाँ से विहन टेक्स कर देना। अब इसको आपको सेट कर लेना है, इधर उठा के सेट कर देना है और यहाँ से इसकी लंबाई चौड़ाई जो भी करना आपको सेट करके एरो की मदद से इसको सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से इतना पे आप लोग सेट कर देना है और बाहर क्लिक कर देना है, ये हट जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से बिल हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है जो कि यहाँ पे ये बॉर्डर जो है मैच नहीं खा रही है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ये जो है इस तरीके से हमने लगानी। तो बॉर्डर हमें क्या करना है, हटा देना है। ये जो हमने बॉर्डर लगाया यहाँ देखिए, तो इसको हमने हटा देना है। तो हम बाहर क्लिक करेंगे इधर और फिर यहाँ चले जाएंगे पेज लेआउट के अंदर और पेज बॉर्डर में, और यहाँ से हम बॉर्डर को हटा देंगे। अगर यहाँ से हट रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ क्लिक कर दो हट जाएगा, ओके कर देना। अब हमारा बॉर्डर हट चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ चले जाना है इंसर्ट के अंदर और यहाँ जाना है सेव में, और यहाँ से हमने ये वाला सेव ले लेना है और यहाँ पे हमने क्लिक करके ड्रॉ कर लेना है यहाँ से यहाँ तक इतना इतना दो कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थ्रू कर देना है और फिर इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर देना है। उसके बाद इसको एरो की मदद से हम नीचे ले जाएंगे या फिर इसको मूव कर्सर की मदद से यहाँ जाएंगे होम के अंदर और यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेके इसको मूव करके नीचे ले आएंगे इतना पे, और इतना पे हमने सेट कर लेना। अब क्या हुआ, इसके अंदर कलर हो रहा है वाइट। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर आना है, फिर से मूव कर्सर बनेगा और चले जाएंगे फॉर्मेट में, और यहाँ से हमने कर देना है इसको ये वाला नो फिल। अब हम इसी का कॉपी मारेंगे और पेस्ट करेंगे और इसको उठा लेंगे ऊपर लगाने के लिए। ऊपर भी हमें यही लगानी है, यही बॉक्स लगानी है, इसको हम इधर से उठा लेंगे। उसके बाद एरो की मदद से इसको ऊपर कर देंगे इतना पे, और थोड़ा इसको और बड़ा कर देंगे यहाँ से इस तरीके से इतना पे। अब ये जो है बाहर निकल रहा है, इसको छोटा कर लेंगे हम यहाँ से इतना पे, और एरो की मदद से हम सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, ये लाइन जो है बाहर निकल रहा है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करके छोटा कर देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फॉर्मेट से छोटा कर लेंगे, क्योंकि हमें लाइन बाहर नहीं रखनी है। इसकी भी लाइन को हमें छोटा कर लेना है, यहाँ क्लिक करना है, जूम करके कर लो आप लोग, जूम करके कर लोगे हो जाएगा। यहाँ क्लिक करना है, इस तरीके से मूव कर्सर बनेगा और इसको अंदर रखना है, बाहर नहीं निकालना है, इसको भी इतना तक। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये बोल्ड कर देना है यहाँ से, या कंट्रोल बी करके बोल्ड कर देना, ठीक है, इस तरीके से। अब आप लोग देख सकते हो हमारा बिल जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट बन चुका है। तो इस तरीके से बिल आप लोग बना सकते हो वीडियो को देख देख के, एक एक स्टेप को देखिए, स्केप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप देखिए, जहाँ समझना है वहाँ पे आप पूछिए, बेधड़क होकर हम बताएंगे। तो इस तरीके से बिल आप लोग बना सकते हो बड़े ही आसानी से। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम अगला पेज लेकर आएंगे। इस वीडियो में जो कुछ बताया आपको अच्छा से समझ आई हो, धन्यवाद।